अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं सऊदी अरब में रहती हूँ और ज़्यादातर अफोर्डेबल मेकअप, फैशन रिलेटेड रिव्यूज़, प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ देती हूँ और वीडियोज़ बनाती हूँ। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो है अफोर्डेबल लिपस्टिक शेड्स एंड अ वेरी अफोर्डेबल पैलेट, आई पैलेट, आई शेडो पैलेट, जिन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी मेकअप नया नया स्टार्ट किया होता है, जो बिगनर्स होते हैं और उनको समझ नहीं आती कि वो कहाँ से अफोर्डेबल किट से स्टार्ट करें। वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम कलर्स के साथ नहीं खेल सकते, तो उनके लिए एक न्यू टाइप जो है कंप्लीट अफोर्डेबल किट, जी हाँ अफोर्डेबल किट जितना में अवेलेबल है सऊदी अरब में, आप इजीली इसको गेट कर सकते हैं। वाइट्स कंपनी फार्मेसी से भी ये मिल जाती है, इसके अलावा ऑनलाइन भी मिल जाती है, और बहुत सारी ऐसी हैं फार्मेसीज हैं जहाँ पर बेट एंड वाइल्ड का मेकअप अवेलेबल है। तो आज जिन लिपस्टिक्स, सबसे पहले हम लिपस्टिक से स्टार्ट लेते हैं। लिपस्टिक में बेसिकली ये सारी अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हैं, और जब मैं सऊदी अरब आई थी तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ पे अफोर्डेबल लिपस्टिक को गेट करना वो कोई ईजी टास्क नहीं है। मेकअप यहाँ कम अज़ कम ड्रग स्टोर जो है उसमें लिपस्टिक्स की रेंज कम अज़ कम अब जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक 50-40 से स्टार्ट होती है, बल्कि अब इससे भी ज़्यादा हो गई है, और अब आगे वैट भी लगना है और इंक्रीज़ हो जाएगी मेकअप प्राइसेस। और पाकिस्तान में तो मेडोरा ऑल टाइम इन स्टूडेंट्स का भी फेवरेट, और हर चीज़ बहुत अच्छी उसकी। लेकिन जैसे जैसे सऊदी अरब में आई, मैं यहाँ पर रहना शुरू किया और मैंने फ़ील किया कि यहाँ मुझे स्किन बहुत ड्राई होने लग गई है। मेरी यहाँ पर नॉर्मल स्किन थी, और वो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि काफ़ी लोगों की यहाँ स्किन आके बहुत ड्राई साइड पे चली जाती है। तो यहाँ मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ कि मेरी स्किन बहुत ड्राई थी, और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मेडोरा की लिपस्टिक्स वैसे ही वो ड्राई होती हैं, कुछ लिप्स के ऊपर वो मुझे बिल्कुल भी फर्दर सूट नहीं करती थी। और प्रॉब्लम ये थी कि जो अफोर्डेबल लिपस्टिक्स जो मुझे बाहर मार्केट में नॉर्मल नज़र आती थी चाइना की, वो 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, वो जो है वो चाइना की होती थी, और वो मैं ऐसा मेकअप, आई एम सॉरी टू से, मैं बगैर अच्छे ब्रांड के, अब रिलायबल ब्रांड के, मेरा अच्छे ब्रांड से मतलब ये नहीं कि वो बहुत महंगा ही होगा, लेकिन रिलायबल ब्रांड के अलावा मैं कोई और चाइना की या ऐसे लिपस्टिक्स और मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि ऐसा मेकअप इस्तेमाल करने से बेहतर है कि इंसान जो है वो मेकअप यूज़ ना करे, और अगर करता है तो किसी वेल नोन ब्रांड से, जो इसी तरह ये जो डुप्लीकेट्स या होती हैं लिपस्टिक्स वगैरह, उन पे भी मेरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। बल्कि आप भी कोशिश किया करें, आप ऐसा मेकअप अवॉइड करें, स्किन का मामला है, और आजकल तो वैसे भी स्किन कैंसर्स और स्किन के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो बजाय आप खूबसूरत लगने के, आप फर्दर अपने आप को कोई प्रॉब्लम में भी डाल सकती हैं। तो बड़ी रिसर्च के बाद मैंने यहाँ पे अफोर्डेबल ब्रांड्स जो हैं उनको देखना शुरू किया, और मुझे दो अफोर्डेबल ब्रांड्स लिपस्टिक्स में नज़र आए जो अब तक मुझे हैं नज़र आए। उनमें से एक तो है वेट एंड वाइल्ड और दूसरा एसेंस का। ये दोनों बहुत रिलायबल ब्रांड हैं, इनकी प्रोडक्ट्स, इनकी क्वालिटी ट्राइड एंड टेस्टेड है, और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है, और इंटरनेशनली ये ब्रांड बहुत इन है, लेडीज इसको बगैर किसी टेंशन झिझक के इस्तेमाल कर लें। नाउ कमिंग टू द लिपस्टिक शेड्स, इसमें आज मैंने लिपस्टिक शेड्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो न्यूट शेड हैं जो लाइट साइड पे हैं ज़्यादा मेरे पास, दूसरा जो हैं कुछ मीडियम टोन में आते हैं वो मीडियम शेड्स हैं, और बाकी कुछ जो हैं वो डार्क साइड पे शेड्स हैं। इस तरह आपका जिस तरह की मर्ज़ी आप लिपस्टिक लगाने के शौकीन हैं, अगर आप डार्क साइड पे पसंद करती हैं कलर्स तो डार्क शेड भी मैं आपको कुछ बताऊँगी अफोर्डेबल लिपस्टिक्स में, और अगर आप न्यूट शेड पसंद करती हैं तो भी मैं आपको अफोर्डेबल लिपस्टिक्स में उनके विद देयर शेड्स दिखाऊँगी, और अगर आप मीडियम शेड्स पसंद करती हैं तो मीडियम में भी अवेलेबल आपको शेड्स जद्दा में या सऊदी अरब में जो अवेलेबल शेड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी जो मेरी कलेक्शन में है, और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं न्यूट शेड से। न्यूट शेड में ये जो मेरे पास 2 कलर्स हैं ये हैं एसेंस ब्रांड की तरफ से, इनकी एक रेंज है दिस इज़ मी, ये ब्रांड दिस इज़ मी के नाम से ये इनके शेड्स हैं, और ये शेड नंबर जो मैं पहले आपको शो करने जा रही हूँ वो है शेड नंबर 01 फ्रीकी। ये कुछ
इस तरह से ये शेड है, ये आप देख सकते हैं, ये शेड इस तरह से, ये लाइट पीची पिंक सा शेड है। और ये नॉर्मल अगर आपने कैजुअल कहीं बाहर निकलना है और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत शेड है। और ये इतनी ज़्यादा बटरी लिपस्टिक है, ये बिल्कुल मैट लिपस्टिक नहीं है और बिल्कुल ये ग्लॉसी भी नहीं है, लेकिन इसमें हल्का सा शाइन है और ये न्यूड साइड पे भी है। तो ऐसे लोग जिनके लिप्स जो हैं वो लिपस्टिक से फौरन ड्राई हो जाती हैं और वो लाइट कलर्स पसंद करते हैं, उनके लिए देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट लिपस्टिक दिखाने जा रही हूँ वो इसी रेंज की है, दिस इज़ मी रेंज की, एसेंस ब्रांड की। और इसके ये 02 कलर है, ये इससे डार्क है, वो लाइटेस्ट शेड था। और ये जो है ये पिंक न्यूड टाइप शेड है और इसका नाम है 02 हैप्पी। ये देखिए, ये वो थोड़ा सा पीची पिंक सा था और ये जो कलर है ये है आपका न्यूड पिंक सा कलर है आपका। ये देखिए ना, आप ये हो सकता है ये आपको सही तरह ये कलर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये आपका पिंक कलर है ये न्यूड साइड पर। ये दोनों लाइटर में कह सकते हैं, अगर आप इसको, वो ज़्यादा लाइट है और ये उससे डार्कर थोड़ा शेड है। ये पूरे एक रेंज है, इसमें और लिपस्टिक भी हैं और ये वन से लेके फर्दर मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मेरा ख्याल है कि ये 8 शेड्स हैं और ये ग्रेजुअली 01 से फर्दर क्योंकि डार्कर होते जाते हैं। आप ट्राई कर सकती हैं अगर आपको डार्क साइड पे और इसी तरह की टेक्सचर में, थोड़ा बटरी से टेक्सचर में लिपस्टिक्स चाहिए तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मीडियम शेड्स, मीडियम शेड्स में मेरे पास जो कलर्स हैं वो हैं वेट एंड वाइल्ड कंपनी की, दो शेड्स हैं ये। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जी सैंडस्टॉर्म, जी ये है कलर सैंडस्टॉर्म, इस शेड का नाम है। और ये थोड़ा लाइट ब्राउन सा कलर है, वुडिश सा। ये देखिएगा, ये इस तरह का कलर है ब्राउन। ये बहुत डार्क नहीं है लेकिन यहाँ पे इस वक्त लग रहा है कि थोड़ा सा ये डार्क आपको फील होगा। बड़ा ही खूबसूरत कलर है, ये वुडिश ब्राउन सा कलर है। जिन लोगों को थोड़ा ब्राउन कलर्स में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग शेड है। अगर आपको इसी मीडियम शेड्स में पिंक कलर का चाहिए शेड तो ये बहुत ही प्यारा कलर है, वेट एंड वाइल्ड का इन द फ्लैश, इस शेड का नाम है इन द फ्लैश। और ये कलर इस तरह से आपको नजर आएगा जी, ये कलर इसका कलर है, ये आपको पिंकिश साइड पर है। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू एसेंस कलर 02 कलर, लेकिन वो बटरी सा है। ये जो लिपस्टिक्स हैं ये जो इन द, ये मेगा लास्ट, आई हैव टू मेंशन वन थिंग, ये वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट जो रेंज है उसके ये शेड्स हैं। ये जो पिछला शेड मैंने आपको दिखाया वो भी और ये भी, ये थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा बटरी नहीं है, ये थोड़ा सा मैट साइड पर है लेकिन नॉट कम्प्लीटली मैट, लेकिन बिल्कुल भी इसमें, इन दो लिपस्टिक में शिमर नहीं है ज़्यादा, मतलब थोड़ा ग्लॉस नहीं है। लेकिन ये जो पहली मैंने आपको एसेंस की दिखाई है वो न्यूड भी है और थोड़ा हल्का सा उसमें थोड़ा ग्लॉसी सा शाइनी सा भी टच है। इसमें इतना शाइनी नहीं है टच, ही मोर सिमिलर टू मेडोरा लिपस्टिक्स हैं, लेकिन मेडोरा लिपस्टिक्स आर ओवर ड्राइंग फॉर माई लिप्स, आई डोंट नो, आप भी मुझे बताइएगा इनबॉक्स करके कि आपके ऊपर मेडोरा के शेड्स किस तरह से जाते हैं। अब मैं आपको डार्क शेड्स का दिखाऊंगी। डार्क शेड्स में मेरे पास तीन कलर्स हैं डार्क शेड्स में। एक तो अगर मैरूनिश ब्राउन सा कलर है, इसका नाम है सिनेमन स्पाइस, सिनेमन स्पाइस के नाम से कलर है और ये काफ़ी डार्क कलर है, मैरूनिश सा, ये इस तरह से, ये मैरूनिश ब्राउन सा कलर है और अच्छा कलर है फंक्शंस के लिए, लिपस्टिक्स में अगर कुछ लोग तो वैसे ही बहुत डार्क कलर्स शौक से लगाते हैं, ईद पे लगाने के लिए या किसी भी फंक्शन फेस्टिवल पे लगाने के लिए, कलर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अब जो मैं आपको कलर दिखाने लगी हूँ डार्क रेंज में, मेरे पास जो है वो एक है, ये भी वेट एंड वाइल्ड वालों का है, लेकिन वेट एंड वाइल्ड वालों की ये मेगाला सीरीज से नहीं है, ये उसकी इस तरह से है, ये वेट एंड वाइल्ड ही बस इसके ऊपर लिखा है।
वो जो मैंने आपको जितने अब तक बेटर वाइल्ड कंपनी के शेयर दिखाए वो मेगा लास्ट उनकी रेंज है उससे थे, और इसका नाम है जी ब्लाइंड डेट, इसका नाम है ब्लाइंड डेट, और ये इस तरह का कलर, ये बहुत ये ग्लॉसी इनकी रेंज है, ये मेरे ख्याल में वेट एंड वाइल्ड वालों की जो ग्लॉसी रेंज है उसमें ये देखिए बहुत ही प्यारा चेरी पिंक कलर कह लें आप, ये है इसमें ग्लॉस भी है और ये बहुत ही ज़्यादा बटरी सा है, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, और जिन लोगों को थोड़ा हल्के से ग्लॉसी लाइट ग्लॉसी शेड पसंद है उनमें ये बहुत अच्छा कलर है उनके इस्तेमाल के लिए, ये भी कंसिडर कर सकती हैं फंक्शंस पे या शादी पे या फिर जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे, आप जिस तरह के भी कलर पसंद करते हैं। नाउ अब मैं आपको एक पिंक में एक बहुत खूबसूरत शेड दिखाती हूँ, वो ये इस तरह से एसेंस की एक रेंज है, वो तो मैंने आपको दिखाई थी दिस इज़ मी रेंज, इसी तरह एसेंस की एक रेंज इस तरह की भी आती है, इसकी इस तरह की पैकिंग होती है, और इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो ये इस तरह से ये इसका शेड है, ये शॉकिंग पिंक कलर है, बड़ा ही खूबसूरत कलर है, और ये भी बहुत ज़्यादा मैट सा नहीं है, इसको भी थोड़ा ग्लॉसी ही लग रहा है मुझे ये भी शेड, ये एसेंस में बहुत खूबसूरत कलर है, ये इसका नाम है जी ये वेलवेट मैट की तरफ से है, वैसे मुझे इतना मैट नहीं लगा लेकिन नाम इसका वेलवेट मैट है, और ये 06 शेड है उनकी लिपस्टिक का वेलवेट मैट एसेंस वालों की। तो ये तो हो गए लिपस्टिक के कलर्स जो मेरे पास अफोर्डेबल लिपस्टिक्स में कलेक्शन आती है, इसके अलावा मेरे पास और लिपस्टिक्स भी हैं बट दे आर नॉट अफोर्डेबल, तो अफोर्डेबल कह लो वो थोड़ा मीडियम प्राइस की हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है लेकिन बहुत इस तरह भी नहीं है, ये मतलब ये एज़ कम्पेयर टू अदर लिपस्टिक्स ये काफ़ी चीपर रेट पर आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। अब आपको मैं एक जो आई शेडो पैलेट जो स्टार्टर्स के लिए मैंने एक पिछली दफ़ा एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टार्टर्स मेकअप के बारे में किट के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि मैंने आपको एक वीडियो अफोर्डेबल आई शेडोज पर भी आपको बताऊंगी, आई शेडो पैलेट अफोर्डेबल अगर आप इनिशियली मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं और आपके पास ज़्यादा बजट भी नहीं है और आपको अभी आई शेडोज से ही अप्लाई भी ज़्यादा नहीं करने आते और आप बहुत महंगी महंगी किट लेकर कलर्स के साथ नहीं खेल सकती, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है वेट एंड वाइल्ड वालों की, इस तरह की पैकिंग आती है और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है, इसमें ज़्यादातर ऐसे शेड्स हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं, आप इसको इजीली यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसा एक्सट्रीम शेड नहीं है जिसको आप लगा के बाद में आपके लिए मैनेज करना या उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाए, तो ये बेस्ट किट मैं मानती हूँ वेट एंड वाइल्ड की, और इस किट का नेम है रोज़ इन द एयर, इनकी और भी बहुत सारी किट्स हैं इसी तरह, उसमें और कलर्स हैं हर किट के लेकिन इस किट का नेम है रोज़ इन द एयर, और ये बिगनर्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेकअप आई शेडोस जो है उनके हाथ पे नहीं एक्सपर्ट होते उनके लिए बहुत अच्छी इनिशियली स्टार्टिंग मेकअप किट है। इसमें अब ये मैं ऐसे आपको कलर्स बताती हूँ, इसमें ये कलर और ये जो दोनों साइड्स पे कलर हैं ये दोनों ट्रांजिशन शेड्स हैं, इसके अलावा ये आपका जो है ये आप ब्रो बोन पे भी लगा सकते हो, फिर इसके अलावा ये शेड जो है ये गोल्डनिश ब्राउन और ये मेटैलिक ब्राउन जो कलर है ये भी ये आपके आते हैं, ये मेटैलिक कलर्स में आते हैं शाइनी कलर्स में, और इसमें ये मज़े की बात ये है कि आप अगर पास आप हाइलाइटर नहीं है तो आप इसको ये वाला कलर बड़ा खूबसूरत कलर है ये देखिए इसको आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकती हैं, ये देखिए ये बड़ा ही प्यारा गोल्डन कलर, आप इसको अपने चीक्स पे भी वन लगा सकती हैं, कलर मिक्स हो गया है इसके साथ बराबर, लेकिन ये इस तरह से कलर्स हैं, मैं आपको अभी इसका थोड़ा डेमो दिखाती हूँ, और इसी तरह ये जो ब्राउन है ये आपकी डेप्थ आई डेप्थ देने के लिए बहुत अच्छा कलर है, और सबसे मज़े की बात इस जो आई पैलेट की मुझे लगी है कि इसके जितने ये कलर्स हैं वो इतने पिगमेंटेड हैं कि इतनी प्राइस पे आपको इतने पिगमेंटेड शेड मार्केट से नहीं मिल सकते, ये बड़ा खूबसूरत कलर है, ये कलर है ये देखिए बड़ा ही प्यारा ये कलर है,
और ये आंखों पे लगता भी बहुत अच्छा है। ये मैं आपको सारे कलर्स बारी बारी में आपको इसका डेमो, सॉरी मेरे इस हाथ पे बहुत ज़्यादा मेरे लिपस्टिक कलर्स हैं और ये मैं यहाँ पे मैं नहीं शो कर सकती, इसलिए मैं आपको इस हैंड पे ये शो करती हूँ। ये तो दो हो गए ट्रांजिशन शेड्स। इसके अलावा ये पहला शेड, ये जी मैं आपको ये दिखाती हूँ जी, ये वाला शेड, ये इस तरह का शेड ऐसे। और ये नेक्स्ट जो है ये ब्राउनिश शेड है। नेक्स्ट ये इस तरह का ब्राउन शेड है। ब्राउन में बड़ी प्यारी रेंज है इसमें, ये न्यूड कलर्स में ही आता है माने जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स। इसके अलावा अगर आपका थोड़ा पार्टी मूड है या पिंक साइड पे जाना चाहते हैं, देखिए कितने ज़्यादा ये जो है ना, और फिर पाउडर क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। ब्लेंडिंग मैंने करके देखी हुई आँखों पर, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है और ये वाकई में बहुत अफोर्डेबल अच्छी बिगनर्स किट है। इसके अलावा ये जो है ये तो आप अपने डेली कलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपनी आई को डेप्थ देने के। ये देखिए जी ये कितने पिगमेंटेड कलर्स हैं। अब मैं आपको इसके इसके अलावा ये जो है ये ज़रा वाइटिस ब्रो बॉन वाला कलर है। और ये जो दो शेड्स हैं ये मैं आपको एक दिखा भी चुकी हूँ, गोल्डन जो आपको एज में हाईलाइटर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा ये एक मेटालिक ब्राउन कलर है। ये थोड़ा ये आता है थोड़ा ग्लिटरी साइड पर, इस पर थोड़ा शिमर है इस कलर। ये दो कलर्स जो हैं इनमें शिमर है, इसमें भी शिमर है, इसको आप हाईलाइटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसलिए मैं तो इसको एक कंप्लीट बिगनर आई शेडो किट, अफोर्डेबल किट के तौर पे मैं इसको बेस्ट नंबर वन प्राइस देती हूँ इस किट को, और ये रिकमेंड करती हूँ आइंदा। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैं किसी बहुत अच्छी अफोर्डेबल यूज़फुल प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।